वेलकम बैक दोस्तों, मैं सचिन गहलोत एक बार फिर आपका वेलकम करता हूँ इस सस्ता घर की न्यू लोकेशन, प्राइम लोकेशन और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर। जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ ये आपको पता होगा, सेकंड एवेन्यू में मैं लेकर आया हूँ आपको, क्योंकि कुछ मेरे व्यूअर्स की डिमांड थी, उनको 2 BHK का फ्लैट चाहिए अच्छी लोकेशन में। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे फ्लैट हमारे सेल हो चुके हैं, बट मेरे पास 2 यूनिट अवेलेबल हैं 2 BHK की। तो आपकी डिमांड को देखते हुए मैं 2 BHK की फ्लैट लेकर आया हूँ। बात करूँ इस लोकेशन की, सेकंड एवेन्यू बहुत ही अच्छी लोकेशन है, चारों तरफ ग्रीन एरिया से भरा हुआ लोकेशन है, आगे फार्म हाउस फेसिंग है, क्योंकि इसके एक तरफ एग्रीकल्चर लैंड लगता है, एक तरफ लाल डोरा लैंड लगता है। ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है। अब बात करता हूँ सेकंड एवेन्यू पड़ता है कहाँ पर है। जैसे ही आप छतरपुर मेट्रो क्रॉस करेंगे मंदिर होते हुए, तिवोली गार्डन से सीधे आते हैं आप डेरा फतेहपुर की तरफ, तो आपका ये स्काई मैंसन हाई राइज बिल्डिंग पड़ती है, चंदनहुला विलेज के अंदर है, उसी के नियर बाई ये प्रॉपर्टी पड़ती है। तो उसी प्रॉपर्टी में मैं लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं गेटेड कंपाउंड सोसाइटी है। यहाँ पे एंट्रेंस पे आपका एक गार्ड रूम बनेगा, यहाँ पे आपका गेट लगेगा, तो सिक्योरिटी के हिसाब से एक अच्छी लोकेशन है जहाँ आपके फैमिली काफ़ी सेफ है और आपका परिवार काफ़ी सेफ है। अब बात करता हूँ एमिनिटीज़ की, तो एमिनिटीज़ के लिए यहाँ पे 7 से 8 शॉप्स दी हुई हैं, जिसमें आपकी वेजिटेबल मार्केट, ग्रॉसरी शॉप आपकी और फ्रूट मार्केट है, जो आप इजीली यहाँ से ले सकते हैं। और इसके नियर बाय भी एक आपके 200 से 300 मीटर की रेंज में बाहर भी मार्केट मिल जाती है, जहाँ पे आपको सारी डेली नेसेसिटीज़ की चीज़ें मिल जाती हैं। दोस्तों इस कंपाउंड की एमिनिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ IGL की गैस पाइपलाइन, और यहाँ पे आपको प्रॉपर रोड, पानी आपका दिल्ली जल बोर्ड का पानी आपको मिल जाता है, तो काफ़ी ये, और सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, और हर बिल्डिंग के अंदर अपने CCTV कैमरे लगे हुए हैं सारे कॉमन एरिया के अंदर। तो उसी बिल्डिंग के अंदर मैं लेकर चल रहा हूँ आपको, मैं 2 BHK का फ्लैट दिखाऊंगा। अगर फ्लैट के साइज़ की बात करूँ तो अप्रॉक्स 70 स्क्वायर यार्ड का ये फ्लैट है, और ये फ्लैट 3rd फ्लोर पर अवेलेबल है। तो दोस्तों उसी बिल्डिंग पर और उसी फ्लैट पर मैं लेकर चल रहा हूँ। दोस्तों बिल्डिंग के बाहर हम आ चुके हैं, सबसे पहले मैं आपको बिल्डिंग का एलिवेशन दिखाना चाहता हूँ। एलिवेशन काफ़ी सिंपल एंड सोबर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें 2 तरह का टेक्सचर पेंट दिया हुआ है, एक आपका ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर, एक वाइट कलर, और बहुत अच्छी ग्लास की रेलिंग लगाई हुई है एलिवेशन में इन्होंने। SS304 का फ्रेम है और 8mm का टफन ग्लास लगाया हुआ है। तो दोस्तों एलिवेशन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब दोस्तों चलते हैं पार्किंग के अंदर। इसमें आपको बताना चाहता हूँ अप्रोक्स 450 स्क्वायर यार्ड की पूरी बिल्डिंग है। इसमें 4 2 BHK और 1 3 BHK फ्लैट है। दोस्तों देख सकते हैं आपको कितनी बड़ी पार्किंग मिल रही है। ये 2 बिल्डिंग को मर्ज किया हुआ है, तो इसमें आपको 900 गज की पार्किंग मिल रही है। और सबसे अच्छी बात को आपको बताना बोल गया, उसके अंदर आपको टेरिस गार्डन मिल रहा है जो बिल्कुल ज्वाइंट करा हुआ है, तो आपको कॉमन टेरिस गार्डन मिल रहा है, तो सबके लिए कॉमन है। अब दोस्तों चलते हैं फ्लैट पर, और इसमें 2 लिफ्ट मिल रही हैं आपको, 2 स्टेयरकेस मिल रहे हैं। और पार्किंग में फ्लोरिंग की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा ग्रेनाइट ब्लैक कलर का लगाया हुआ है, जो इस पार्किंग को काफ़ी इन्हेंस कर रहा है, और ये काफ़ी हैवी स्टोन होता है। तो दोस्तों चलते हैं फ्लैट में, वहाँ जाके चेक करते हैं किस तरह का फ्लैट है वो। दोस्तों फ्लैट के बाहर हम आ चुके हैं, तो देख सकते हैं लिफ्ट के साथ वाला ही फ्लैट है। तो अब लिफ्ट का काम अभी चल रहा है, तो विदिन 15-20 डेज के अंदर लिफ्ट भी वर्किंग हो जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं फ्लैट के अंदर। सबसे पहले डोर दिखाना चाहता हूँ, काफ़ी हैवी डोर दिया हुआ है, आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत डोर लग रहा है। इस पर डिजाइनिंग भी काफ़ी अच्छी है, ये एक पैनलिंग की गई है आप देख सकते हैं, और इधर विनियल लगाई हुई है डोर के बोथ साइड, और बहुत अच्छे ग्रूव दिए हुए हैं, और इसमें जो वॉलनट कलर दिया हुआ है, जो पॉलिश का कलर है विद मैट फिनिश के साथ, तो डोर खूबसूरत लग रहा है, हैवी लग रहा है। और चौखट भी आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 11 इंची की चौखट दी हुई है, तो काफ़ी हैवी लग रही है। दोस्तों इस ड्राइंग डाइनिंग एरिया के अंदर हम आ चुके हैं। अगर ड्राइंग डाइनिंग की इसकी स्पेस की बात करूं, इसकी डायमेंशन की बात करूं, तो अप्रॉक्स 12x15 का ये दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा स्पेसियस है, और इसमें बहुत अच्छी फॉल सीलिंग की गई है आप देख सकते हैं, और बीच में इन्होंने पट्टे दिए हुए हैं, 3 इंची की एक लाइन दी हुई है जो इस फॉल सीलिंग को काफ़ी इन्हेंस कर रही है, और नीचे पैनल लाइट दी हुई है, और कोव में भी आप लाइट लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छी लगेगी। वॉल देख सकते हैं, वॉल काफ़ी स्मूथ लग रही है, वाइट कलर का पेंट है, बट इसमें एक वॉल पे आपको वॉलपेपर मिलेगा, तो इसमें वॉलपेपर मिलने के बाद ये और अच्छा हाईलाइट करेगा और अच्छा ग्लो करेगा और इसे इन्हेंस करेगा सिर्फ ड्राइंग डाइनिंग एरिया को। ये ओपन किचन दी हुई है, किचन के डोर पे इन्होंने डोर नहीं दिया हुआ, पैनलिंग की गई है आप देख सकते हैं, इधर 6 इंचेस, इधर 6 इंचेस विनियर की पैनलिंग करने के साथ इस पर पॉलिश किया है, तो डोर काफ़ी अच्छा लग रहा है जो इसका एंट्रेंस डोर है। किचन में आप देख सकते हैं इन्होंने ग्रे एंड वाइट कलर का कॉम्बिनेशन लगाया हुआ है, हाई ग्लॉस लैमिनेट लगाई हुई है, ये आपकी गिल्टर वाली, इसमें आप लैमिनेट देख सकते हैं, हल्का सा गिल्टर है इसमें, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सारी बास्केट्स जो आपके अकॉर्डिंग होती हैं, सारी कटलरी हो गया दिया हुआ है, और इधर आपकी एक छोटी सी टॉल यूनिट दी हुई है जिसमें आप अपनी क्रॉकरी रख सकते हैं।
और चिमनीज में इनबिल्ट मिल रही है आपको, और इसके वेंटिलेशन के लिए इन्होंने पाइप के लिए वहाँ छोड़ा हुआ है, तो पाइप यहाँ से निकल जाएगा, तो इसका जो वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है। और इधर देख सकते हैं सिंक दी हुई है, इसके अंदर लॉन्ग बॉडी मिक्सर दिया हुआ है, सिंक मिक्सर सिंगल, उसमें ये इसमें ठंडा गर्म आपका दोनों इसमें पानी आएगा। टॉप देख सकते हैं आपका ग्रेनाइट दिया हुआ है और बहुत अच्छी ब्लैक टाइल लगाई हुई है। और दोस्तों इस आप फ्लोरिंग की देखेंगे तो फ्लोरिंग भी 2x4 की अच्छी फ्लोरिंग लगाई हुई है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है फ्लोरिंग, ये ऐसा लग रहा है कोई इटालियन पत्थर लगाया हुआ है। दोस्तों इसका एक कॉमन टॉयलेट आपको दिखा देता हूँ मैं। कॉमन टॉयलेट में आपको सारे हैंडवेयर की फिटिंग मिल रही है, इधर कंसील टैंक, वॉल हैंग शीट, इधर डाइवेटर मिल रहा है आपको, इधर पेडिस्टल वॉश बेसिन मिल रहा है, तो सारी फिटिंग ब्रांडेड है। डोर के साइज़ की बात करूँ अप्रॉक्स 27 इंची बाई 8 फीट इसकी हाइट है। मेन डोर आपका 3.5 फीट बाई 8 फीट दिया हुआ है। और दोस्तों चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में। फर्स्ट बेडरूम की अप्रॉक्स साइज़ की बात करूँ तो 12x10 का बेडरूम है ये। इधर इन्होंने अच्छी फॉल सीलिंग, वही चारों तरफ आपका 18 इंची के साथ कॉर्नर में सीलिंग की गई है। और इन्होंने जितने भी एजेस हैं उस पर इन्होंने देखा ग्रुप दिया हुआ है, तो एक एजेस ऐसा होता है कभी टूट जाते हैं, तो एजेस बहुत अच्छे लग रहे हैं इसके। इधर एक वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट दी हुई है जिसमें एयर लाइट वेंटिलेशन जब चाहते हैं तो ओपन टू स्काई शाफ्ट है इसके अंदर। इधर स्प्लिट एसी का कंड्यूट दिया हुआ है, आप अपना यहाँ एसी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके सेकेंड बेडरूम में। ड्राइंग रूम में भी इन्होंने देख सकते हैं आपको स्प्लिट एसी का कंड्यूट दिया हुआ है, तो ड्राइंग रूम में के अंदर हर बेडरूम के अंदर ड्राइंग रूम के अंदर इन्होंने जो कंड्यूट है उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, जहाँ पे विंडो का प्रोविजन है विंडो का दिया गया है, जहाँ पे आपका स्प्लिट का स्प्लिट का दिया हुआ है। अब हम आ चुके हैं इसके मास्टर बेडरूम में। अप्रॉक्स 12x12 का ये बेडरूम है, इसमें आपको अप टू सीलिंग वार्डरोब मिल रही है, ऊपर आपकी फॉल सीलिंग मिल रही है आपको। फ्लोरिंग इन्होंने सेम लगाई है पूरे फ्लोर के अंदर, चाहे ड्राइंग हो या डाइनिंग एरिया हो आपका किचन में, सब सेम फ्लोरिंग लगाई हुई है। वॉल को स्मूथ करने के लिए पीओपी पैनिंग की गई है इसमें। फैंस आपको उषा के मिल रहे हैं इसके अंदर। और इधर अच्छी विंडो दी हुई है, आप देख सकते हैं फिक्स ग्लास दिया हुआ है, इधर आप अपना विंडो एसी लगा सकते हैं। इसके अंदर एक अटैच टॉयलेट आपको मिल रहा है, वही सारी आपकी हैंडवेयर की कंसील फिटिंग दी हुई है, जो अपने आप में एक ब्रांड है हैंडवेयर। सारी फिटिंग आप देख सकते हैं। इधर वेंटिलेशन के लिए ऊपर आपका एग्जॉस्ट फैन दिया हुआ है, इधर आपका लाइट के लिए फ्रॉस्टेड ग्लास दिया हुआ है। दोस्तों इसमें बैक साइड में आपको एक बालकनी इसमें बैक साइड में मिल रही है आपको, इसमें आप वॉशिंग एरिया बना सकते हैं। और ये टॉप फ्लोर का फ्लैट है तो आप टेरिस में इजीली जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर आपको टेरिस गार्डन मिल रहा है। दोस्तों फ्लैट के बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया, फिर भी मैं इसका रिकैप कर देता हूँ एक बार। ये जो फ्लैट का साइज है ये अप्रॉक्स 70 स्क्वायर यार्ड के अंदर मिलता है आपको, जिसका कवर्ड एरिया होगा अप्रॉक्स 65 स्क्वायर यार्ड होगा। अब बात करते हैं इसमें एमिनिटीज़ आपको क्या क्या मिल रही है। एमिनिटीज़ की बात करूँ उसमें आपको कॉमन एरिया में सीसीटीवी कैमरे, डेडिकेटेड पार्किंग आपको मिल रही है, नीचे आपको ब्रांडेड लिफ्ट आपको मिल रही है, ऊपर कॉमन टेरिस गार्डन मिल रहा है, और पानी इलेक्ट्रिसिटी सब आपको मिल रही है। एक अच्छी लोकेशन है, आपको बताना चाहता हूँ कि ये राधेमोहन ड्राइव पे सेकंड एवेन्यू से भी आप आ सकते हैं, फर्स्ट एवेन्यू से भी आप आ सकते हैं, और हाई राइज बिल्डिंग स्काई मैंशन से भी आ सकते हैं। और यहाँ से मेट्रो अप्रॉक्स आपकी 4.5 से 5 किलोमीटर है। बट ये फ्लैट उनके लिए काफ़ी अच्छा है जिनको पीसफुल एरिया में रहना चाहते हैं, जिनको इन्वायरमेंट थोड़ा अच्छा चाहिए जहाँ पर पीसफुल एरिया हो, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है दोस्तों। तो इसमें दो ही फ्लैट हमारे पास बचे हुए हैं। और बात करते हैं मेन पॉइंट की, इस प्रॉपर्टी के प्राइस की और टाइटल की। तो टाइटल की बात करूं, ये लाल डोरा रजिस्ट्री का लैंड है, इसमें फाइनेंस आपको हो जाएगा। और इसके प्राइस की बात करूं तो 38 लाख में ये फ्लैट आपको मिल जाता है, जस्ट 38 लाख रुपए में। तो दोस्तों डील को ग्रैब करें, आपकी फैमिली के लिए काफ़ी सिक्योर कॉलोनी है, गेटेड कंपाउंड है, आपके बिल्डिंग के अंदर अलग गार्ड बैठेगा आपकी सिक्योरिटी के लिए, और गेट पर अलग गार्ड बैठेगा। तो डील को ग्रैब करें। और इस फ्लैट के बारे में कोई भी आपकी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, कोई भी क्वेरी है तो हमें कॉल कर सकते हैं। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी विजिट शेड्यूल करें। दोस्तों मैं सचिन गहलोत फिर मिलूंगा नए प्रोजेक्ट पर नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।